नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आशा करती हूँ दोस्तों कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का जो टॉपिक है ना, वो है शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रही हूँ शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में। तो प्लीज दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आई एम श्योर आपके लिए आज की वीडियो भी बहुत ही हेल्पफुल होगी और आपको पसंद भी आएगी। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं कि हम बाहर से तो अपनी त्वचा की केयर करते ही हैं, जैसे कि हम स्किन पर अपने फेस पे आए कि स्क्रब वगैरह हम सब कुछ करते हैं अपनी स्किन के लिए। लेकिन क्या हम अंदर से भी अपनी त्वचा की रक्षा करने के लिए उतनी ही मतलब गौर करते हैं इन सब चीज़ों पर? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता ना। कभी कभी हम इन चीज़ों को ना इग्नोर करने लग जाते हैं कि हम क्या करते हैं, बाहर से तो अपनी त्वचा की सफाई कर लेते हैं लेकिन अंदर से हम अपनी त्वचा की सफाई करना भूल जाते हैं। जी हाँ, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन की, जो कि होता है रक्त को शुद्ध करना। हमारे शरीर में जितनी भी विषाक्त पदार्थ होते हैं, विषैले पदार्थ होते हैं, गंदगी होती है, इम्प्योरिटीज होती है, उसे क्लीन करना बेहद ज्यादा जरूरी होता है। और अक्सर हम इन्हीं चीजों में गौर नहीं कर पाते हैं। और होता क्या है कि जब हम अंदर से अपनी त्वचा की सफाई नहीं करते हैं ना, या हम अपने रक्त की अशुद्धियों को दूर नहीं कर पाते हैं, तो हमारी स्किन पर बहुत ज्यादा पिंपल्स, एक्ने, पिगमेंटेशन, ब्लेमिशेस, ये सब चीजों की प्रॉब्लम होने लगती है। और कोई ना कोई स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम चलती ही रहती है। और ना ही हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। कभी कभी हमें इतनी वीकनेस लगती है कि हम काम नहीं कर पाते हैं ठीक से। तो गर्मी के कारण तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो आज इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स का मैं एक सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने इसे खुद भी पिया है और मैं पी रही हूँ इसे, काफ़ी दिनों से ले रही हूँ इसे, और मुझे मेरी स्किन में बहुत ही मतलब फ़र्क दिखा है। और जो कि गर्मी के कारण बार बार मतलब हमें वीकनेस सी लगने लग जाती है, काम नहीं कर पाते हैं ठीक से, तो उसमें भी मतलब इसने बहुत हेल्प की है। अब मुझे उतनी वीकनेस फील नहीं होती है और ट्रस्ट मी गाइस, इसने बहुत हेल्प की है। और मेरी स्किन मुझे पहले से भी ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ लग रही है, ग्लोइंग लग रही है, आप देख सकते हो। और इसने मेरे जो डार्क स्पॉट रह गए थे ना, उन्हें भी काफ़ी लाइट किया है। जी हाँ, मैं इतनी सारी खूबियों की जिसकी बात कर रही थी, ये है हेलिनिन की ये डिटॉक्सिया जूस। जी हाँ, मैं इसे लास्ट 10 डेज से ले रही हूँ, 10 दिन से पी रही हूँ। मुझे इसे पीने से ना बहुत ही फर्क लगा है अपनी बॉडी में, अपनी स्किन में, तो मुझे बेहद ज़्यादा अच्छा लगा है। तो इसकी पैकिंग आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आपको जूस मिल जाएगा। सभी चीज़ें बहुत ही केयरफुली आप तक पहुँचती हैं और इस तरीके से ये पैकिंग में आपको मिल जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हो। प्राइस की मैं अगर बात करूं तो ये है 849 रुपीज़। जी हाँ, 849 रुपये के प्राइस में आपको ये मिल जाएगा। और ऑनलाइन अच्छे अच्छे डिस्काउंट चलते रहते हैं, तो हो सकता है आपको अच्छे डिस्काउंट में भी मिल जाएगा। क्वांटिटी आपको 1000 ml की मिल जाती है, शेल्फ लाइफ 24 तक है फ्रेंड्स। सभी चीज़ें इसके ऊपर मेंशन की गई हैं, क्यों ये ज़रूरी है, क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट है, तो पीने से पहले ये सब चीज़ें अच्छे से रीड जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। हमेशा मैं बोलती हूँ, जब भी आप कोई चीज़ यूज़ करें तो उसके पीछे जितने भी इंग्रेडिएंट की लिस्ट होती है या जो भी कुछ उसके बारे में मेंशन किया जाता है, तो उसे अच्छे से रीड जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, नो आर्टिफिशियल कलर्स, नो आर्टिफिशियल मिनरल्स, विटामिन्स कुछ भी नहीं है, नो एडिड शुगर, शुगर इसमें बिल्कुल भी नहीं है। वेट लूज में भी ये काफ़ी हेल्प करेगा आपके। और श्योरिटी फॉर प्योरिटी है कि नहीं, तो जैसे कि इसके ऊपर मेंशन किया गया है। चलिए इसके ऊपर पैकेजिंग में आपको इसकी ओपन कर दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह से ये पैकेजिंग में आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। इसके साथ आपको छोटी सी कैप दी गई है, ताकि आप इसमें अच्छे से मेजरमेंट करके आप इस ड्रिंक को पी सकें। और मुझे सिर्फ इसे 10 दिन ही हुए हैं लेते हुए, और 10 दिन में ही मुझे मेरी स्किन में, मेरी हेल्थ में काफ़ी फर्क नज़र आया है। और जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाए, तो ऐसी ही ये ड्रिंक है। जी हाँ, इसीलिए इसे पीना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है, और जैसे कि हर्बल जूस होते हैं, बस वैसा ही इसका टेस्ट है। और आपने इसे दिन में 2 बार लेना है, खाने से 1 घंटा पहले आपने लेना है, खाली पेट। जी हाँ, खाली स्टमक आपने इसे लेना है। यहाँ पर मैं एक कांच का ग्लास ले रही हूँ, और साथ में जो आपको मेजरमेंट के लिए कप दिया गया है, इसमें मेजरमेंट अच्छे से कर इसमें नाप कर आपने 20 ml की क्वांटिटी में डेली आपने इसे पीना है। और दिन में 2 बार आपने इसे लेना है, एक सुबह और एक शाम के वक्त, और खाली पेट लेना है। अभी मैं बिल्कुल खाली पेट हूँ और मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है, तो सुबह सुबह ही मैं ही वीडियो शूट कर रही थी, तो मैंने सोचा चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं भी इसे इस तरीके से पीती हूँ। बात करें अगर इस जूस के इंग्रेडिएंट्स की, तो दोस्तों इसमें है त्रिफिला, एलोवेरा रस, निसोथ, सेना, अश्वगंधा, फेनल सीड, अजवाइन, ग्रीन टी, जिंजर, हनी, मेथी, ब्लैक सीड, हींग, पेपराइन। तो इसमें सभी हेल्दी इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, जो कि हेल्थ के लिए बेहद अच्छे होते हैं और स्किन के लिए भी अच्छे होते हैं। थोड़ा सा आपने इसमें पानी मिक्स कर लेना है, और हल्के गर्म पानी में आपने इसे पीना है, ल्यूक वार्म वाटर में।
तो आंतरिक तौर पर तो हमने शरीर की सफाई की बात कर ली है, उसके लिए तो हमें जूस पीना है। अब बात कर लेते हैं स्किन की, बाहर से भी सफाई करने की बेहद ज्यादा जरूरत है। तो बाहरी तौर पर अगर आपकी त्वचा की सफाई की बात की जाए तो इसके लिए आपको यूज करना है हिलीलिंग की ये एलोवेरा जेल। ये बहुत ही अच्छी एलोवेरा जेल है, ये आपकी एक्ने, पिंपल्स, डार्क स्पॉट्स और ब्लेमिशेस को क्लीन करने में हेल्प करेगी। एंटी एजिंग की तरह काम करती है और ये आपकी फाइन लाइन्स, रिंकल्स को रिड्यूस करने में भी हेल्प करेगी फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही अच्छी एलोवेरा जेल है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है जैसा कि आप देख सकते हो, और मैं रात को इसे लगाकर सो जाती हूँ। पैक की तरह आप लगा सकते हो, क्रीम की तरह, जेल की तरह अपने फेस पर इसे लगाकर सो जाइए, नेक्स्ट डे फेस वॉश कर लीजिए। तो ये एलोवेरा जेल भी काफी ज्यादा अच्छी है। और क्वांटिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये है 200 ग्राम्स। जी हाँ, 200 ग्राम की क्वांटिटी में आपको ये मिल जाएगी और शेल्फ लाइफ 24 तक है। प्राइस है 239 रुपीज। कुछ इस तरह से ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जेल है जैसे कि आप देख सकते हैं। सभी प्रोडक्ट्स की परचेज लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, प्लीज आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, इस एलोवेरा जेल को ना आप अपने स्किन और हेयर दोनों में लगा सकते हैं। जी हाँ, बालों में भी आप इसे लगा सकते हैं, ये आपकी स्कैल्प को भी हेल्दी बनाती है, साथ ही आपको डैंड्रफ से छुटकारा भी देगी। एलोवेरा जेल जो होती है ना हमारी स्किन और हेयर दोनों के लिए बेहद अच्छी होती है, और ये वाली एलोवेरा जेल भी ना बेहद अच्छी है आपके बालों के लिए भी और आपकी स्किन के लिए भी। ये आपकी स्कैल्प को भी हेल्दी बनाने में हेल्प करेगी, आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करती है, तो ये बहुत ही अच्छी है, इसे एक बार जरूर यूज कर देखिएगा। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं बॉडी फैट की। जी हाँ, एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ, ये है हिलीलिंग ओमेगा फ्लैक्स सीड। जी हाँ, ये जेल कैप्सूल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं आपकी स्किन, आपके नेल्स और हेयर्स के लिए, आपके बालों को भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। आप जानते हैं फ्लैक्स सीड के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं हमारे बालों के लिए और हमारी स्किन के लिए, हेल्थ के लिए बेहद अच्छे होते हैं। और ये जो फ्रेंड्स ओमेगा फ्लैक्स सीड कैप्सूल्स है ना, अगर आपके नेल्स कमजोर हो गई हैं, कमजोर होकर टूटने लगते हैं, तो ऐसे में ये आपके नेल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जी हाँ, बालों को मजबूती देता है। आप जानते हैं फ्लैक्स सीड जो होता है ना हमारी हेल्थ के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारी हेयर के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं और इतने सारे इसमें बेनिफिट्स होते हैं, तो आपको इसे एक बार जरूर यूज कर देखना चाहिए। और लेकिन हाँ, मैं आपको एक बता दूं, मैं कनपट पे किसी को नहीं बोल रही हूँ, भैया आपने इसे यूज करना ही है, ये आपकी इच्छा है। अगर आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं तो आप इसका जरूर यूज कर देख सकते हैं और डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, यदि आपकी स्किन में रेडनेस की प्रॉब्लम है, इचीनेस की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा इचिंग होती है आपकी स्किन में, तो ऐसे में ये कैप्सूल्स आपकी स्किन के लिए बेहद बेनिफिशियल हैं, बेहद अच्छे हैं, तो इसे एक बार जरूर यूज कर देखिएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इसमें आपको टोटल 19 कैप्सूल्स मिल जाते हैं और साथ ही ये 100% वेजिटेरियन कैप्सूल्स हैं। और जो भी स्पेशल मदर्स हैं या जो भी फीड वगैरह कराती हैं बेबीज को, वो इन कैप्सूल्स को ना ले। और कोई भी अगर आपको मेडिकली कुछ भी, अगर आप कोई अदर ट्रीटमेंट आपका चल रहा है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो ऐसे में आप इसे लेने से पहले डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें, और ऐसे में आप इसे ना ही लें तो बेहतर है। और अगर आप फिर भी अगर आप चाहते हैं इसे लेना, तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिएगा। आई होप दोस्तों कि आपके लिए आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी, आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। शेयर करने के लिए फ्रेंड्स इसलिए बोलती हूँ ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके और वो भी इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी हासिल कर सके। यदि कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं, यदि कोई भी डाउट्स है मन में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हैं फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी सोशल मीडिया के लिंक मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स, आप चैनल से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन देना चाहते हैं या नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप इंस्टाग्राम पे भी मुझसे बात कर सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो और आगे भी अगर आप ऐसी हेल्पफुल वीडियोस देखना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्द से जल्द प्लीज फ्रेंड मेरे 50K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दीजिए और मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियोस लेकर आती रहूंगी दोस्तों। और आप मुझे फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम और मोज पर भी। मैं आपसे मिलती हूँ ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।